यह है क्रेटा फेसलिफ्ट का SX वेरिएंट जो कि टॉप वेरिएंट है। ये हालांकि मैनुअल है और प्राइस लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। तो प्राइस लिस्ट इस टाइप से वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू वेरिएंट और अकॉर्डिंग टू द ट्रांसमिशन। तो ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैनुअल है और इसके अंदर आपको पूरी इंटीग्रेटेड लाइट मिलती है। आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के साथ में ग्रिल जो है काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रही है, काफ़ी स्टर्डी लुक दे रही है। साथ ही साथ आपको रिडार यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, उसी के साथ में यहाँ पर आपको 360 डिग्री का कैमरा लोकेटेड मिलता है। यहाँ पर फॉग लैम्प नहीं है तो यहाँ पर क्योंकि नीचे लोकेटेड है पूरा LED सेटअप जो हेडलैम्प से नीचे लोकेटेड है। तो यहाँ पर क्वाड डिज़ाइन में आप देख सकते हैं, क्वाड डिज़ाइन में आपको यहाँ पर हेडलैम्प्स भी मिलते हैं और लाइट्स मिलती है। उसी के साथ में फ्रंट सेंसर्स थे वहाँ पर, और यहाँ पे आपको 17 इंचेस के JK के टायर मिलते हैं, अलॉयज मिल जाते हैं। जो डायमेंशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम आपको मिलेंगे, लेकिन डिज़ाइन में बहुत सारा चेंज है। आप हुड देख सकते हैं, हुड काफ़ी स्टर्डी लग रहा है। वाइट के अंदर ज़्यादा पता चल रहा था क्योंकि एरोडायनेमिक्स जो दिए हैं वो ज़्यादा वाइट में खिलकर आ रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि डुअल टोन नहीं है, यहाँ पे आपको सिंगल ही मिलेगा। यहाँ पे ब्लैक कलर का है, बट यहाँ पे जो पियानो ब्लैक कलर का और नॉर्मल ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है, सिल्वर टच इसके अंदर आपको मिलता है। कीलेस एंट्री मिलती है, उसी के साथ में इस टाइप का पूरा रेयर आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी डिज़ाइन जो है ये कॉमन ही पहले भी आता था, तो इसके अंदर चेंज नहीं किया है। पीछे देखें तो रियर बम्पर चेंज कर दिया गया है, SX की बैचिंग है। ये SX नहीं है, SXO है, यही कन्फ्यूजन है कि SX में भी यही लिखा हुआ था। यहाँ पे आपको पूरा इंटीग्रेटेड टेल लैम्प मिलता है, पीछे भी रियर कैमरा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स मिलती है, स्पॉइलर यहाँ पे मिल जाता है, आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना मिलेगा। एंड अगर मैं बूट की बात करूँ तो यहाँ पे 433 लीटर की 60/40 का यहाँ पे आपको पूरा मतलब अगर फोल्ड करना हो तो 60/40 आप फोल्ड कर सकते हैं। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। रियर में हम चले तो ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मुझे बहुत पसंद आया कलर। कहीं ना कहीं मुझे ये आयोनिक की भी याद दिलाती है, उसके अंदर भी ऐसा ही कलर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर लेदर सीट्स आपको मिलेंगी, कप होल्डर्स कितना क्लासी है, मतलब लुक बहुत अच्छा दिया है। यहाँ पे आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं, AC वेंट मिल जाता है, सी टाइप आपको चार्जर मिल रहा है। यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं जो कर्टेंस हैं, ये आपको SX में भी मिल रहे थे, S में भी मिलेंगे। तो ये सबसे अच्छी बात है कि कर्टेंस बहुत ही मतलब रेगुलर कर दिए हैं, और सिटिंग जो है वो एज इट इज़ ही है जैसे पहले। यहाँ का हुड मुझे सबसे अच्छी बात है कि क्रेटा के अंदर जो हुड है वो थोड़ा सा डाउन है ताकि 3 लोग आराम से बैठ सके। यहाँ पर दो हालाँकि हेडरेस्ट 2 ही मिलेंगे, लेकिन आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं। फैमिली के हिसाब से बहुत ही कम्फर्टेबल कार है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ Involve 1 का कार्बन ब्लैक। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस वन इज सो मस्कुलिन फ्रेग्रेंस। दिस इज नॉट फॉर द फीमेल्स ऑफकोर्स, आई थिंक आई लाइक दिस वन, बट आई लाइक सम स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेज एंड यू नो मोर मस्कुलिन एंड मस्क वाला जो फ्रेग्रेंस है, तो मुझे ये पसंद आया। इसके बेस्ट पार्ट ये है कि ये जेल बेस है और अभी विंटर टाइम है तो आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं। 2.5 मंथ मेरे ये वर्क करता है अगर मैं यूज करती हूँ। जेल बेस मुझे पसंद है क्योंकि लंबा थोड़ा सा चलता है, स्प्रे वाले में तो फिर भी आपको एक बार स्प्रे करना पड़ता है, बट इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, सो यू कैन बाय एनी टाइम। और इसके अंदर काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस है, इट्स नॉट इवन कि आप यही वाला, इसके अंदर सिट्रसी फ्रेगरेंस भी है और एक अटलांटिस आता है जो कि बहुत वन ऑफ माई फेवरेट वो है, बहुत ही सूदिंग उसकी फ्रेगरेंस है। तो इफ़ यू वॉन्ट टू बाय दिस वन, गो ऑन लिंक, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड की पूरी रेंज चेक कर सकते हैं आप, वहाँ पर आपको हर ऑप्शन हर फ्रेग्रेंस हर रेंज मिलेगा, सो जाइए और परचेस करिए। अंदर की तरफ चले तो इस टाइप का आपको इंटीरियर मिलता है और यहाँ पे आपको बोस के 8 स्पीकर जो है यहाँ पर आपको मिलते हैं, जो आप अगर इससे नीचे किसी वेरिएंट में जाएंगे तो वहाँ पे नॉर्मल है, वहाँ पे बोस नहीं मिलेगा। इस टाइप का यहाँ पे कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, कलर कॉम्बिनेशन वही आपको ग्रे और डार्क ग्रे का मिलेगा। लेदर सीट्स आपको यहाँ पर मिलती है विथ ऑरेंज स्टिचेस, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स आपको मिलेंगी। एंड अंदर की तरफ चले तो इंटीरियर कुछ इस टाइप का होगा, और अंदर चलते हैं। अंदर चले तो यहाँ पे आपको डी कट स्टीयरिंग मिल जाएगा विद ऑल द कंट्रोल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेन असिस्ट का भी ऑप्शन है, क्रूज कंट्रोल का भी है, ADAS लेवल 2 है इसके अंदर, तो काफ़ी फीचर्स है जो आपको यहाँ पे एडवांस्ड मिलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी वाइड स्क्रीन आपको मिलेगी, ये पूरी जो मतलब कनेक्टेड है और ये डिजिटल है। अगर आप SX में देख रहे थे तो SX के अंदर MID थी बीच में, और ये फुल्ली आप देख सकते हैं 10.25 की ये एकदम कनेक्टेड लगती है। अगर आप लग्जरी कार्स में देख रहे हैं, मर्सिडीज़ में अगर आपने देखा होगा तो पूरी, और ये ओरिएंटेड है ड्राइवर ओरिएंटेड। यहाँ पे आपको कॉपर का जो है एलिमेंट्स दिख जाएगा और बहुत ही खूबसूरती से यूटिलाइज़ किया
किया है चीज़ों को, डैशबोर्ड को, कलर कॉम्बिनेशन को बहुत स्मार्टली इसको यूज़ किया है। अब अंदर की तरफ चले अगर यहाँ पर, तो स्क्रीन एक बार देख लेते हैं, यूज़र प्रोफाइल्स आप अपनी बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट बता रही हूँ यहाँ भी एक बार, तो ऑटो हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप, इको स्टार्ट स्टॉप, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएंगे और इस टाइप के आपको यहाँ पे एसी वेंट्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं एसी वेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ये लेटर हम लोग करते हैं और इधर आते हैं, तो नेविगेशन आप देख सकते हैं, नेविगेशन यहाँ पर आपको मिलेगा और उसी के साथ में अगर आए तो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। 70+ कार कनेक्टेड आपको यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं, वॉइस कमांड्स आपको यहाँ मिलेंगे। और नेक्स्ट आए तो मैं एक बार सेटिंग्स में जाती हूँ और कार व्हीकल सेटिंग्स में जाएंगे हम, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए एडास के फीचर है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मुझे लग रही है कि जैसे मैं किया में ही बैठी हूँ, किया के अंदर भी इसी टाइप का सारी है। फॉरवर्ड सेफ्टी, लेन सेफ्टी, ब्लाइंड स्पॉट आपको मिलेगा, ब्लाइंड स्पॉट सेफ्टी, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर मिलेगा, एग्जिट सेफ्टी आपको मिलता है। अगर आप ड्राइवर, आप देख सकते हैं ड्राइवर अटेंशन वार्निंग यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे ड्राइविंग सेफ्टी प्रायोरिटी, पार्किंग सेफ्टी प्रायोरिटी, सारी चीज़ें आपको, सराउंड व्यू मॉनिटर, ऑटो रियर क्रॉस, ट्रैफिक सेफ्टी, जितने भी एडास लेवल 2 के जितने भी पार्ट है आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो कि एक सेफ्टी के लिए ज़रूरी भी है और जिस हिसाब से कार का प्राइस है बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। और तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं पीछे की तरफ और क्लस्टर को अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप क्लस्टर को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थीम में चेंज करके बताती हूँ, ये ए है, ये सेकंड थोड़ा स्पोर्टी और आपको यहाँ पे फील आएगा, ये थर्ड, तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये चीज़ आपको एडवांस मिलती है। मैं आपको एक बार इसका कैमरा दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं 360 डिग्री कैमरा है यहाँ पर और आप इस तरीके से इसको पूरा व्यू देख सकते हैं। आप देख सकते हैं किसी ने बूट ओपन किया है तो वो यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं क्लियरली। अगर वो साइड व्यू देखना है बहुत ही अच्छा और क्लियर व्यू आपको दिख रहा है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि 360 डिग्री देते हैं लेकिन वो उतना अच्छा वर्क नहीं करता। यहाँ पर बेस्ट, मतलब अभी तक मैंने जितना भी इस लेवल की कार्स में देखा है तो ये बेस्ट है। और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मर्सिडीज ऑडी लेवल का मिले लेकिन ऑलमोस्ट बहुत अच्छा है, यहाँ पर कोई कंप्लेन नहीं है मुझे। नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको पूरे बटन्स मिल जाते हैं, जितने भी स्विचेस हैं वो मिल जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल पार्ट है। उसके नीचे आए तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिल जाता है, सी टाइप चार्जर मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको मैनुअल, ऑफकोर्स इसके अंदर आपको IVT भी मिल जाएगा, आपको मैनुअल भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पर जो है DCT भी मिलता है टॉप वेरिएंट में अगर आप जाते हैं, क्योंकि SXO है इसके अंदर आपको DCT भी मिलेगा, IVT भी मिलेगा, ऑटोमेटिक भी मिलेगा, मैनुअल भी मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको जो कैमरा है अगर आपको डायरेक्टली देखना है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑटो होल्ड मिल जाएगा, कप होल्डर्स मिल जाएंगे, प्लस यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिलता है, फ्रंट में भी आपको ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, छोटा सा पार्ट, यहाँ पे यू कैन पुट योर फोन। यहाँ पे IRVM जो है ऑटोमेटिक मिलेगा, पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर आपको मिलता है और ये मेजर चीज़ें जो हैं आपको इंटीरियर में मिलती है। अगर आप इस वाले वेरिएंट में जाते हैं जो कि है SXO, यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया बोस के स्पीकर्स आपको मिल रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको बाकी सारे वेरिएंट्स में नहीं मिलेगी इसके अंदर आपको मिलती है। तो ये था SXO का वॉक अराउंड और इसके अंदर सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे फीचर आपको मिल रहे हैं, उसी के साथ में कलर कॉम्बिनेशन, डुअल कॉम्बिनेशन अगर आपको चाहिए, न्यू कलर जो एमरल्ड पर्ल आया है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा, डुअल ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप DCT, अगर आप 1.5 टर्बोचार्ज DCT में अगर आप ले रहे हैं तो वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा, अगर आप लोअर वेरिएंट में जा रहे हैं तो वहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है। तो अब सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी है कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी डेफिनेटली। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको पूरा डिजिटल मिलता है, 360 डिग्री कैमरा मिलता है, डास लेवल 2 के फंक्शन मिलते हैं, बोस के स्पीकर मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं प्राइस की, तो प्राइस की बात करें तो यहाँ आपको बहुत अच्छा खासा अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, विच इज़ 24 लाख ऑन रोड आपको ये पड़ती है। अगर आप मैं एक शोरूम की बात नहीं करूँगी, अगर आप DCT खरीदते हैं तो आपको 24 लाख आपको पे करने होंगे। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या ये वर्थ है, ये जो फीचर है आपको
लगता है कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए तो बिल्कुल आप खरीदिए। और ये इट्स ऑल अप टू यू, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कई लोग बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार पसंद करते हैं, फीचर लोडेड कार पसंद करते हैं, तो आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। कंपनी को यू कांट से कि ये वाले फीचर्स नहीं आए हैं तो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो गई कि ये कॉम्पिटिशन को अगर आप देखें, जैसे आप सेल्टॉस में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपके पास दोनों ऑप्शन आ गए, स्कोडा देख रहे हैं या कुशाक में आपने देखा है या टाइगन देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही कड़ी टक्कर है। फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन दी है इन्होंने, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, तो ऑलमोस्ट सारे फीचर दे दिए। एक एक परसेंट भी आपको ये माइंड में नहीं रखने की ज़रूरत है कि आप कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और मुझे लगता है मोस्ट कंफर्टेबल कार है इन दिस सेक्शन और इन दिस सेगमेंट। सो आप अगर प्लान कर रहे हैं तो ये मैंने आपको प्राइस वगैरह डिटेल सारी बता दी है। 6 एयर बैग आपको यहाँ पर मिलते हैं, ABS प्लस ABD प्लस, आपको TPMS इसके अंदर स्टैंडर्ड सब में ही मिलता है, और ADAS के लेवल के पूरे वार्निंग अटेंशन एंड सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई, लेना से सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। और प्लस वही सारी चीज़ें जो है आपको व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल 360 डिग्री कैमरा इसके अंदर मिल ही रहा है, सेंसर्स फ्रंट एंड रियर मिल ही रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सेफ्टी की बात करें तो फुल्ली लोडेड है। और अगर आपके कोई और क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और डिटेल में मैं डेफिनेटली आपको बताने की कोशिश करूँगी। अगर और ज़्यादा डिटेल में आपको पूछना है तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मिस ऑटो लॉक्स मेरा इंस्टाग्राम है, नीचे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके फॉलो करिए। और आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क मी दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।